सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्परे उम परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 62वें पृष्ठ की 35वीं पंक्ति पर 78वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर रूद्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को विचारणा को मंत्रों को सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सके जान सके सीख सके समझ सके तद अनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं, कहते हैं महायोगी। और ए कोर्टियर इन हर काउंटलेस रेटिन्यू कंटेंट टू बी विथ हर एंड फील हर नियर ही मेक्स द मोस्ट ऑफ द लिटिल दैट शी गिव्स एंड ऑल शी डज Drapes with his own delight. A glance can make his whole day wonderfully. A glance can make his whole day wonderful. A word from her lips with happiness wings the hours. Puruke. कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अचलायमान परमात्मा से उद्भूत संकल्प जागृति उपरांत उन्हीं से उन्हीं का एक भाग अचलायमान बनकर संकल्प सिद्धि हेतु सप्त सोपानों से अवतरित होकर खंड विखंडित होकर अंतिम सोपान की सबसे निचले स्तर पर अव्यक्त रूपाय अस्तित्व बन एक अंश ने दूसरे अंश में प्रवेश करके देश काल सीमा में प्रवेश कर नाना रूपों आकारों के अभिव्यक्त अस्तित्व के अणु अणु में प्रवेश पाकर प्रकृति साम्राज्ञी के अगिन रूपों आकारों के सृजित परिवारों के परिजनों के समूचे ब्रह्मांड में वह व्यष्टि रूप में निवसित पुरुष दिव्यांश एक अदना सा दरबारी समूह का सदस्य बनकर सृजित प्रकृति साम्राज्ञी के रूपायित रूपों आकारों के विस्तृत विशाल अनगिन शाही अभिव्यक्तियों के परिजनों के सेवा चाकरी हेतु उनके संग उपस्थित रहता और चारण भाट के सम वफादार रहकर प्रकृति साम्राज्ञी के अभिव्यक्त हुए रूपों आकारों का चापलूसी पूर्ण बखान करते हुए यह दरबारी समूह का एक सलाहकार
मुसाहिबन साम्राज्ञी को स्वयं के अत्यंत निकट अनुभव करने में अत्यंत संतुष्ट बना, रचित प्रकृति के सब कुछ में सदैव निवसित रहता है और स्वयं के द्वारा अंकित दिव्य भागवत संकल्प सिद्धि हेतु संपूर्ण योजना के अंतर्गत क्रम क्रमशः होने वाले चेतना ऊर्ध्वारोहण से मंद गति से क्रम क्रमशः होने वाली विकास यात्रा में अपनी सलाह पूर्ण गुप्त मंत्रणा से प्रकृति को आप्लावित करके अभिभूत करते हुए सतत वृद्धिंगत सचेतनता की ओर प्रकृति को प्रकृति में ही निवसित रहकर बढ़ाता चला जाता है। प्रत्युत्तर में ये प्रकृति प्राप्त पुरुष अंश मंत्रणा से व्यक्त सत्ता स्तरों पर क्रियाशील बनकर अति प्रसन्नता से पुरुष दिव्य अंश वांछित परिणाम उत्पन्न करने के नित उन्नत उन्नतर स्तर पर प्रतिष्ठित होते जाते मंद क्रम से जो थोड़े से थोड़ा नजरे इनायत प्रकृति कभी इन पुरुष की ओर कर देती उसे ये दिव्यांश बड़े से बड़ा अधिक से अधिक मानकर आनंद से फूला नहीं समाता और जो कुछ भी वह प्रकट करती जाती है उस सब कुछ को निज आनंद से सुशोभित करके सज्जित कर लेता है। अंत पुरुष अंश का यह निज आनंद ही समूचे विश्व ब्रह्मांड को समूचे विश्व ब्रह्मांड के अस्तित्व का संबल होता है। मूल रूप से उद्गम उत्पत्ति स्थल निर्वाह और परिवर्तन सब कुछ का संबल बना रहता है। यह निस्सार सा लगने वाला सृष्टि सृजन जो सामान्य मानव चेतना को लक्ष्यहीन भी लगता है किंतु अब जीवंत जीवित जीवन प्रक्रियाओं से अर्थपूर्ण और सतत शने शने अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर मंदता से बढ़ता हुआ ऐसे स्तर तक पहुंचता प्रतीत होता जहां प्रकृति पुरुष क्षण क्षण पल पल साथ साथ संपर्क में रहकर सतत विकासोन्मुख क्रीड़ारत रहते हुए हम मानवों को प्रतीत होने लगते हैं। प्रकृति विधान के संपादन से संबंधित शासनाध्यक्ष बनी ये प्रकृति स्वस्तित्व के अणु अणु में व्याप्त निवसित दिव्यांशात्म पुरुष से
कुछ भी करने के पूर्व तथा प्रत्येक समय संपर्क सूत्र में बंधी रहकर सूचनाएं भेजती रहती और किए गए प्रत्येक कर्म की, प्रत्येक कार्य की सूचना की रिपोर्ट अंशात्मा तक सतत संचारित करती रहती है, जिसे प्राप्त करे दिव्यांश प्रफुल्लित होकर क्षण क्षण की प्राप्त गतियों की प्रगतिशीलता पर बिना किसी उजर के ऑब्जेक्शन के अपनी अनुमोदना करते चले जाते हैं। यह क्रम क्रमशः विकासोन्मुख अभिव्यक्तिकरण लीला की क्रीड़ा इतनी अंतरंग सक्रिय संबंधों से आत्म पुरुष एवं प्रकृति के बीच सतत सदैव चलती रहती है कि प्रकृति की उठी अंतर्मुखी एक चितवन भी पुरुष के सकल दिवस में चमत्कार से दिवस को भर देती। प्रकृति मुख से निकली वाणी संदेश शब्द प्रतिज्ञा उसकी शाश्वत परालोक त्याग कर नश्वर अपरा जीवन की घड़ियों को आनंद के ऊर्ध ऊंची उड़ान भर लेने के तू पंख प्रदान कर देती है। आज हम इस सारगर्भित विषय को यही विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना, अवतरित हुई दिव्य चेतना से निवेदन करें, प्रकट हुए इस ज्ञान को, विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के ध्रुवपथ पर हमें इस ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुवपथ पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।